नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मैजिकल अपराजिता में। और अभी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ द सीक्रेट बुक का लास्ट चैप्टर, यानी कि इसका 10th चैप्टर। तो आज ये बुक समाप्त हो जाएगा और इसके सभी लेसन्स आपको मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर, ठीक है। 1 से लेकर 10th चैप्टर तक आपको मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँ, जिससे कि आप लोग एक बार में क्लिक करें और आपको सारा का सारा चैप्टर मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का चैप्टर है का क्या नाम है। तो आज का चैप्टर है जीवन का रहस्य, और जीवन के रहस्य के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है, आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो आपका नाम, आकर्षक युवक जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था, जो और भी मीन्स आपके बारे में जो लिख के डॉट डॉट दिया है, और फिर वहाँ खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आसमान में, यानी कि यूनिवर्स के पास ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर कि आपके जीवन का उद्देश्य या जीवन का मिशन लिखा हो और आपका नाम लिखा हो स्पेशली। तो हम लोग जैसा कि पहले भी जान चुके हैं कि ईश्वर ने सभी को एक समान ही बनाया है। यूनिवर्स ने सभी को धरती पर जो भेजा है, जितने भी हम लोग प्राणी हैं और जितने भी इंसान हैं, मतलब तो सभी एक समान ही आए हैं और सभी के लिए सब कुछ एक समान ही है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ आने के बाद किस तरह से उसे ग्रहण करते हैं, हमारे विचारधारा क्या रहते हैं, हमारी मानसिकता क्या रहती है। तो ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम जैसे रहते हैं उसी चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें, अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। यहाँ लिखा है कि आपको जिस चीज़ में मन लगता हो आप वही काम कीजिए, ठीक है। खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही जीवन का असली बात है, ठीक है। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज़ सीखते हैं तो आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। आप अभी से खुश रहना सीखें, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके चेहरे पे हंसी ही नहीं रहती है, मीन्स चेहरे पे हंसी भी है तो अंदर से वो काफ़ी दुखी रहते हैं। तो आपको अच्छा फील करते हुए अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। हमेशा अपने आप को खुश रखना है। अगर आपके साथ नेगेटिव सिचुएशंस भी हैं तो आप उस नेगेटिव सिचुएशंस में से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी खोजने का प्रयास कीजिए और हमेशा खुश रहिए। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा देख के किसी अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप हंसते हुए किसी से मिलते हैं पहली बार, या फिर हंसते हुए आप किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपको देख कर खुश हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा खुश रहा कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि आंतरिक खुशी रखिए, मीन्स अपने मन में खुशी रखिए, ठीक है। आप इस वक्त पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा और ज़्यादा अच्छाई लाएगी। आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो ऐसा करने दें, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झनझना दे, ठीक है। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए हमेशा अच्छाई लेकर आएगी, ठीक है। और अगर आप अभी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है, अगर मान लीजिए कि अभी मेरे पास ये पुस्तक है तो हमने इसे आकर्षित किया है अपने लाइफ में, तभी ये मेरे पास है। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों ने आकर्षित किया है रहस्य के बारे में जानने के लिए, इसलिए आपको संजोग से ये वीडियो देखने को मिल गया है, ठीक है।
तो हमेशा इस चीज़ को मान के चलिए और हमेशा खुश रहिए कि आपको अगर कोई अच्छा चीज़ दिख रहा है या आपके साथ अच्छा हो रहा है तो हमेशा ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहिए और खुशी महसूस कीजिए। इसके बाद है, रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, इसके साथ क्या करना है यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है, आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं यह चुनना भी आप पर है, चुनाव की स्वतंत्रता आपकी ही है। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, जैसा कि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं चैप्टर 1 से लेकर आज चैप्टर 10 को कवर की हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कि रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, इसके साथ क्या करना यह पूरी तरह आपके हाथ में है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक मेरे चैनल पर है। आप चाहें तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक मिलेगा। तो आप सभी को देखिएगा सभी वीडियोस को, और उसके बाद अगर आपको लगे कि रहस्य को अपनाना आपके लिए सही है, आपके लिए अच्छा है, तो आप इसे अपना सकते हैं, तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो आप इसे नहीं भी अपना सकते हैं या नहीं भी इस चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रहस्य को मानिए ही, क्योंकि रहस्य को मानना ना मानना ये आप पर डिपेंड करता है, इसे कोई ज़बरदस्ती आप पर थोप नहीं सकता है। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थी। जब आप आनंद का अनुसरण करेंगे, जब आप खुशी के पीछे जाएंगे, तो आपके लिए वैसी दीवारें भी खुल जाएंगी, मीन्स वैसे दरवाजे भी खुल जाएंगे जहाँ पर दीवारें थी। मीन्स आपके लिए बहुत सारे सोर्सेज जो कि आपको चाहिए वो चीज़ आपके लिए, कहते हैं ना कभी कभी होता यह है कि हम लोग कुछ चाहते हैं और वो हमें मिल नहीं पाता है वो चीज़, तो जब मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भगवान रास्ता बनाते गए और हम लोग उस तरफ बढ़ते गए और हमें ये चीज़ आज मिल गया। तो वही होता है कि यूनिवर्स जो है ना, यानी गॉड जो है, भगवान जो है, वो जब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमेशा वो आगे का दरवाज़ा मीन्स खोलते जाते हैं, अच्छाई का दरवाज़ा खोलते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम अच्छा करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, तो हमारे लिए भगवान अच्छाई का दरवाज़ा खोल देंगे और ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और हम लोग उसी रास्ते पर चलेंगे जिधर ईश्वर चाहेंगे। मीन्स ईश्वर कभी हमारे साथ गलत नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा मान के चलिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, और आपके साथ जब भी कुछ अच्छा हो तो हमेशा खुशी को एक्सप्रेस कीजिए, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कीजिए, फील भी कीजिए, ओके। जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं, आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ नियमितें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं, आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है। आप जब आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप हमेशा आनंद के ही माहौल में रहते हैं। जब आप खुशी के पीछे भागेंगे ना, या फिर खुशी के बारे में सोचेंगे, तो आपके लाइफ में हमेशा वैसी चीज़ें ही आएंगी जिससे कि आपको खुशी हो। और अगर आप आनंद के पीछे भागेंगे, मीन्स आप चाहेंगे कि हमेशा आनंद, मीन्स कि आनंद में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उसमें है कि ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो वैसी वैसी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे। अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा भी, छोटा सा भी कुछ होता है, कोई भी अच्छाई आती है, तो उसके लिए हमेशा भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से अच्छाई की चर्चा करें कि जो चीज़ आपके बारे में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अक्सर हम लोग किसी से मिलते हैं तो कोई पूछता है कैसे हो, तो हम लोग अपना दुखड़ा सुनाने में लग जाते हैं, है ना, यार ये कहाँ ठीक नहीं है, बीमार है, ये है, वो है, बहुत सारा बहुत कुछ होता है, हर के साथ बहुत प्रॉब्लम है, सभी के साथ। तो आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही होगा, ये सब कुछ खराब ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ तो होगा ही, तो आप उन अच्छाइयों की चर्चा करें, ठीक है। तो आज जीवन का रहस्य में हम लोग इतना ही, जीवन का रहस्य चैप्टर में हम लोग इतना ही देखे हैं, और
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कम से कम 2 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं अपने इस चैनल पर जादू बुक से जादू प्रैक्टिस मैं शुरू करने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को भी जादू प्रैक्टिस शुरू करना है या आप लोगों को देखना है वीडियो, तो आप कमेंट में जाकर हैशटैग करके जादू या फिर मैजिक लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और कोई सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल के लिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो इसके लिए शुक्रिया। तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।